हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस दिस रिएक्शन। ओके, तो इसकी मैकेनिज्म हमने समझनी है कि एसिड की प्रेजेंस में कंपाउंड जो है आपका इस तरीके का कैसे कन्वर्जन हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, देखिए अगर यहाँ पे अगर हम इसमें एसिड ऐड करेंगे, एक्वस मीडियम में रिएक्शन है तो एच प्लस से डोनेट करेगा, तो ये एच प्लस आपका किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास में। तो ऑक्सीजन के पास में हमारे क्या है, दो लोन पेयर हैं। तो इसमें क्या बनेगा, पहले स्टेप में देखिए जो आपका कंपाउंड दिया है उसके ऑक्सीजन में जाकर के जो है H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन वहां पर आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और आपको पहले स्टेप में कुछ इस तरह से आपको यहां पे मिलेगा, O पर H लगेगा और इसमें क्या चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव, बाकी सब अपनी जगह पर बना रहेगा। अब इसके बाद शिफ्टिंग होगी, ये जो आपका O पॉजिटिव है ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ को। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या बन जाएगा, आपका देखिए ये हो गया, ये सेम वही रहेगा आपका, बाकी कोई भी चेंजेज आपको नहीं करने हैं। यहाँ पे ये बना रहेगा आपका, ये मिथाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ये ओ एच और यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा अब आप देखिए कि ये कौन सा कार्बोनियम आयन बना हुआ है, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है या टर्सरी कार्बोनियम आयन है या प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, ये आपको देखना है। तो ये कौन सा कार्बोनियम आयन है आपका, ये देखिए 1 2 दो इसके साथ में क्या जुड़े हुए हैं आपके, कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री को कोशिश करना है कि हमने इसमें 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए या इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड भी है, इससे ज़्यादा और स्टेबिलिटी के कोई चांसेस हैं वो भी आपको देखने हैं। यहाँ पर तो ये हो सकता है कि ये पॉजिटिव है तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, लेकिन क्या इससे भी ज़्यादा स्टेबिलिटी कुछ गेन की जा सकती है। तो अब आप देखिए इस पॉजिटिव के बगल में यहाँ पर आपके लगे हुए हैं CH2 यानी कि 2H हैं, तो यहाँ पे अगर आप डबल बॉन्ड ले आते हैं तो क्योंकि H प्लस तो वापस करना ही है, इसमें से हमने माइनस H प्लस ये वापस देना है, तो ये आपका C और H के बीच का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पे आपका फिर बनेगा क्या, देखिए सिस्टम कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये हो गया आपके डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे पहले से ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे ये OH हो गया। ओके, ये OH अपनी जगह पर बना रहेगा। तो ये जो आपका बना है सिस्टम, ये अभी आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम एक बन गया यहाँ पे आपके, ठीक है ना। देन आपने क्या करना है इसके बाद में देखिए मीडियम आपका क्या है, एसिडिक मीडियम है और ये जो पूरा सिस्टम है एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये पूरा एसिडिक मीडियम है, H3O पॉजिटिव इसमें है आपके, इस तरह से बना हुआ है। तो ये फर्दर और रिएक्शन होगी इसमें आगे, तो इसमें अब आगे पर क्या रिएक्शन होगी, कहाँ पे होगी, देखिए H प्लस आप और ऐड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ तक, ये जो आपको दिया हुआ प्रोडक्ट इस तक पहुँचना है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो यहाँ भी है लेकिन इस डबल बॉन्ड में क्यों ये अटैक करेगा फिर से, वो आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट करेगा, कौन शिफ्ट करेगा इसको, H पॉजिटिव शिफ्ट करेगा, इट मीन्स यहाँ पर कौन सा इफेक्ट हो रहा है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हो रहा है। तो ये जब यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पर क्या, ये पॉजिटिव जो ये H प्लस जो है इस पर जुड़ जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। और दूसरा पॉइंट, आप जो मार्कोनिकोफ का रूल है उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखते हैं तो उसी के ये बनेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये वाला जो देख लीजिए, बना लेते हैं इसको, ये हो गया आपके डबल बॉन्ड, यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया। ओके, ये डबल बॉन्ड बना रहेगा, ये डबल बॉन्ड बना रहेगा और यहाँ पे ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ये OH है। अब आपका ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका 1 2 3 ये टर्सरी बना हुआ है, आपका टर्सरी बना हुआ है। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे, बाय द वे ये जो H प्लस है इसको यहाँ ऐड करते तो यहाँ पर पॉजिटिव आता तो वो कौन सा बनता, प्राइमरी बनता। तो इस वजह से भी हमने क्या किया है, इसको यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पर क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ये एक तरह का क्या आ गया आपका, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन आ गया, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन आया है। अब आप इसके बाद क्या आपको चेंजेस करने हैं वो आपको देखना, देखिए ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर ये यहाँ पे आपका आया है, ये बॉन्ड है, उसके बाद पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव यहाँ पहुंच जाता है तो ये और भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इससे भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर ये वाला जो कार्बन है अगर आप देखें तो एलाइल कार्बन है, तो यहाँ पे जो एक H है
वो आपका क्या शिफ्ट होगा, कैसे होगा, वो देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इट मीन्स यहाँ पर हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा, यहाँ पे एच नेगेटिव पूरा शिफ्ट होगा, ये पूरा एच नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो आपको ये मिलेगा। देखिए ये आपका आ गया, ये है ये प्लस, यहाँ पर ये एच आपका इधर आ गया एच ने, ठीक है ना, एच नेगेटिव के रूप में यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या चार्ज आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर OH लगा हुआ है। इसके बाद फाइनली आपका क्या होना है, एक H प्लस, यहाँ पे आपका क्या शिफ्टिंग हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट यानी कि H नेगेटिव शिफ्ट हुआ यहाँ पर, मोर स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट हुआ इस तरह का। तो क्योंकि ये जो आपका कार्बोनियम आयन बना हुआ है, ये एलाइल कार्बोनियम आयन बना हुआ है, ये क्या, कौन सा कार्बोनियम आयन है, एलाइल कार्बोनियम। लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है आपके, यहाँ पर दो एच हैं, तो ये सी और एच के बीच का जो बॉन्ड है आपका वो यहाँ शिफ्ट होगा और माइनस एच प्लस आपका आउट हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से जो फाइनल जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो ये कंपाउंड आपका बनेगा। देखिए ये हो गया आपका इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्लियर, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर OH लगा हुआ है। तो यही कंपाउंड आपको बनाना भी था, दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू।